न्यूज में हूँ आपके साथ सोनाली तोमर। सुबह फास्ट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की बड़ी खबर। इस बीच सुजानगढ़ से इस समय की बड़ी खबर है, जहां ज्वेलर्स ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले फेसबुक पर लिखा सुसाइड नोट, और रेप केस में फंसाने की धमकी से परेशान था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। तो मृतक की पहचान उत्तम सोनी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि एक महिला और पुरुष पर धमकी देने का आरोप है। बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां ज्वेलर्स ने आत्महत्या कर ली है। सुजानगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुसाइड से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखा और रेप केस में फंसाने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। तो सुजानगढ़ से समय की बड़ी खबर आपको बताते कि रेप केस में फंसाने की धमकी से परेशान था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। एक महिला और पुरुष पर आरोप है कि धमकी दी जा रही थी, रेप केस को लेकर के धमकी दी जा रही थी, रेप केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। तो सुजानगढ़ से इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुसाइड से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट भी लिखा, रेप केस में फंसाने की धमकी से परेशान था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठा लिया गया। हालांकि मृतक की पहचान उत्तम सोनी के रूप में हो गई है। तो सुजानगढ़ से समय की बड़ी खबर, जहां ज्वेलर्स ने आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखा, रेप केस में फंसाने की धमकी से परेशान था, जिसके बाद ये बड़ा कदम उठा लिया है। तो मृतक की पहचान उत्तम सोनी के रूप में हुई है। तो एक महिला और पुरुष पर धमकी देने का आरोप भी है। तो रेप केस में फंसाने का आरोप लगाया गया है, और ये पूरा जो सुसाइड नोट है वो फेसबुक पर लिखा गया है। तो सुसाइड से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखा,